एक संघर्ष इन सब के पैरेलल आपके परिवार वालों का भी चल रहा था, जो इस पुलिस फोर्स का, इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। आपके माता पिता, आपकी वाइफ, आपकी बेटी और बाकी पुलिस अधिकारियों के, प्रोसिक्यूटर्स के भी फैमिली वाले। पुलिस अधिकारी जब यूनिफॉर्म में बाहर जॉब पे रहता है तो जनरली यही धारणा मानी जाती है कि ये अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये इसको रात दिन अपराधियों से वास्ता रहता है, बट उसके पीछे भी कहीं ना कहीं फैमिली होती है, और उस फैमिली की भी वो सारी एक्सपेक्टेशन जो एक आम फैमिली की होती है, हर फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है, वही फैमिली पुलिस वाले की भी फैमिली की उम्मीदें रहती है। जो भी इस टीम में जो जुड़े हुए थे उनके सारे परिवारजन भी इस बात से चिंतित थे, क्योंकि तो उनके घरों तक ये धमकियां जा रही थी। तो ऐसे में एक डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस ऑफिसर के सामने आ गई थी कि वो इस केस को भी बिना कोई डर के, बिना कोई झिझक के केस को भी हैंडल करे, और साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी मोटिवेट करके रखे ताकि वो कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं हो, कोई घबराहट का शिकार नहीं हो। ऐसा हमारी जो टीम में मेंबर्स थे उन सब की फैमिलीज के साथ ही दिक्कतें आई थी, और लकीली समय के साथ वो सारी चीजें समाप्त। फाइनली जगह शुरू होती है। इसके दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं आप दर्शकों को बताएं। एक, जिसमें आपने लिखा भी है कि प्रोसिक्यूटर से ब्लंडर हो गया, क्योंकि वो एविडेंस एक्ट के तहत सबमिट करना था, और थैंकफुली वो जज ने कंसीडर कर लिया। लड़की की एज को लेके बहुत डिबेट हो रही थी कि वो माइनर है कि नहीं है, क्योंकि माइनर अगर वो होती, जो कि वो कोर्ट ने माना, तभी पॉक्सो एक्ट की वो धाराएं लगती, जिन धाराओं के तहत जिस पर इल्जाम लगा है उसे ये साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। जी तो इसको लेकर कोर्ट में किस तरीके का मंजर था? विक्टिम से जब इन्वेस्टिगेशन हुआ है, और विक्टिम की एज का जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इश्यू आया, तो एज को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की अनेक रूलिंग्स हैं, उनमें ये वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अगर मौजूद है तो दैट मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड एज द वही हम लोगों के प्रायोरिटी पासपोर्ट नंबर में वन, सब जगह और वही माना भी सबके जाता है। पास यही होता है। और हमने भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ले लिया, तो उसके पश्चात इस इश्यू पे कोई कोई विवाद या इस इश्यू पे और कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कोई गुंजाइश रही नहीं थी। बट जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके चार्जशीट फाइल कोर्ट में होती है और ट्रायल शुरू होता है, और ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, और उस कंप्लीशन के एंड में जब डिफेंस को मौका मिलता है अपनी बात रखने का, तो डिफेंस के द्वारा अनेक विटनेसेस पेश किए जाते हैं, अनेक डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, और वहां डिफेंस द्वारा ये कोशिश की जाती है कि विक्टिम वाज नॉट ए माइनर, विक्टिम वाज ए मेजर, और विक्टिम के कहीं कहीं से कोई फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं, उनका फेक कोई राशन कार्ड, फेक कोई बचपन में किसी स्कूल में प्री पढ़ने का स्कूल का कोई फर्जी पीसी, प्री स्कूल सर्टिफिकेट, का फर्जी LIC सर्टिफिकेट, की एक वो वो लेके। सारे दस्तावेज कोर्ट में पेश हो जाते हैं, उन पर लंबी बहस कई दिन तक कोर्ट में चलती है। तो लकीली क्योंकि 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को कोई डाउट नहीं किया जा सकता था, तो बच्ची माइनर ही थी और वो माइनर ही रही, और उस हिसाब से कोर्ट का फैसला आया।